समझाते हैं, समझिए। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, जब कोई गेस्ट आए तो कैसे करना, अंकल जी नमस्ते, है ना। अब होता क्या, जब कोई गेस्ट आता है तो हो सकता है कि दिन बच्चा बहुत खुश है, मूड में है, वो बिना कहे गेट पे जाके गेट खोलेगा, रिसीव करेगा और बिल्कुल शालीनता के साथ अंकल जी नमस्ते, समझ रहे बात को। अब किसी दिन कोई गेस्ट आया, थोड़ी देर पहले बच्चे की हुई है पिटाई, मूड खराब है, नमस्ते। अब पिताजी खड़े हैं वहीं तो खौफ में, है ना, नमस्ते प्रॉपरली हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सा बैंड होके, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो हैप्पी मूड में आ रही थी। अगर हैप्पी मूड में, है ना, 30 डिग्री बैंड हो रहा था तो 10 डिग्री हार्डली बैंड होगा। ऐसा ही कुछ मैग्नेटाइज नीडल के साथ होता है या बार मैग्नेट के साथ होता है। बार मैग्नेट में दो एंगल मैंने आपको समझाए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको ये बताया, पहले जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे ये आएगा कहाँ, मैग्नेटिक एक्सिस पे, मैग्नेटिक मेरिडियन पे, फिर ये एक तरफ से बैंड होगा। हिंदी में कहते हैं नमन कोण, जितना झुका वो क्या है, नमन कोण, है ना, एंगल ऑफ डिप। अब फ्रीली सस्पेंड का मतलब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि फ्री है, रोटेट कर सकती है ऐसे ऐसे, या रोटेट कर सकती है ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में, दोनों प्लेन में अगर फ्री है रोटेट करने के लिए तभी बोला जाता है फ्रीली सस्पेंडेड, अदरवाइज फ्रीली सस्पेंडेड नहीं बोल सकते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड बोलने के लिए द बार मैग्नेट और द मैग्नेटाइज्ड नीडल मस्ट बी फ्री टू रोटेट इन एनी प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो ऐसे भी रोटेट कर जाए और वो ऐसे भी रोटेट कर जाए तब बोलेंगे फ्रीली सस्पेंडेड है। तो जब वो फ्रीली सस्पेंडेड है उसके पास चॉइस है, वो पहले यूं जाए फिर यूं जाए, या वो पहले यूं जाए फिर यूं जाए, दोनों साइमल्टेनियस है। लेकिन समझने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आती है फिर वो बैंड होती है, समझ रहे हो। जैसे इसको ऐसे रिलेट करके समझिए, इस गेट से कोई गेस्ट आया, अब मैं यहां से करूं नमस्ते, इलॉजिकल है ना, इररिलेवेंट है। भाई पीछे से कोई गेस्ट आ रहा है तुम उसको फेस तो करो, पहले मुझे उसकी तरफ फेस करना होगा फिर मैं कहूंगा नमस्ते, दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही जब उसको बैंड होने से रोक दिया जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और कहा जाए झुक यहीं झुक, तो अब उतना नहीं झुकेगा जितना उसको झुकना था, लॉजिक समझ रहे हो। अगर मैग्नेट, बार मैग्नेट फ्री है हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए भी और वर्टिकल रोटेशन के लिए भी, तो पहले वो मैग्नेटिक एक्सिस पे आती है और उसके बाद फिर वो बैंड होती है, और मैग्नेटिक एक्सिस पे आने के बाद जितने डिग्री वो बैंड होगी उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप या ट्रू डिप। लेकिन अगर हम उसके हॉरिजॉन्टल रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें और उसे बोलें कि बैंड रोटेशन, हॉरिजॉन्टल रोटेशन अलाउड नहीं है, यहीं पे बैंड होना है, तो अब वो जितना बैंड होनी चाहिए थी उतनी बैंड नहीं होगी, जितना एंगल ऑफ डिप बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा, उससे कुछ कम बनेगा या ज्यादा भी बन सकता है, दैट इज अपेरेंट डिप। मतलब अगर मैग्नेट मैग्नेटिक एक्सिस पे आके बैंड हो रही है तो ट्रू डिप, और किसी और प्लेन में बैंड हो रही है तो अपेरेंट डिप। अपेरेंट डिप की वैल्यू ट्रू डिप से डिफरेंट होती है। डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें इसको थोड़ा सा, जैसे ऐसे देखिएगा, बुक जैसा दिखाई दे रहा है ना, अब ये है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, यहां पे जब मैग्नेट थी तो किसी और एंगल से बैंड हो रही थी, इस प्लेन में जब लेके आया तो किसी और एंगल से बैंड हो रही है, तो ये प्लेन वन और ये प्लेन टू, इस प्लेन में जो एंगल था वो ट्रू डिप, तो इसमें जो आएगा वो। अब हम वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके स्टडी करते हैं, तो इस तरफ यहां पे इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, और इस प्लेन में Thank you.
अब कंपोनेंट वाइज स्टडी किया जाए, ये लाइट ऑफ कर देना बेटा, ये वाली यहां पे ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा दोनों प्लेन्स के बीच में कुछ एंगल है, मान लेते हैं अल्फा। तो जब इस प्लेन में आएगा तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपने प्लेन बदला तो कौन सा कंपोनेंट बदल गया? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो लेकिन अगर इन दोनों में रिलेशन निकालूं तो मैं बी एच डैश को कह सकता हूं क्या बी एच कॉस अल्फा, या बी एच को कह सकता हूं बी एच डैश कॉस अल्फा? कह सकता हूं, नहीं कह सकता? दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, एक के रिगार्डिंग दूसरे के कंपोनेंट ब्रेक करें तो दूसरे का क्या कंपोनेंट बनेगा? कॉस अल्फा। एंगल जब लगा हुआ होता है तो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ही आता है। अब जरा समझिए, तो ट्रू डिप को अगर मैं डिफाइन करूं तो टेन थीटा क्या हो सकता है? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। किसी को इसमें भी दिक्कत है तो कल याद कर लो क्या पढ़ाया था, वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो टेन थीटा क्या आया? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही आया क्या? तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अच्छा, अब अगर इसमें मॉडिफिकेशन कर दिए जाए, इसकी जगह मैं लिखूं, आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, इसको मैं रिप्लेस कर दूं तो ये तो बी वी रहेगा, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं बी एच डैश कॉस अल्फा। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो ये वाला जो रेशो है इसको मैं अपेरेंट डिप बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? या इसको टेन थीटा डैश बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? बात बताओ, आराम से देख के बताओ। तो क्या रिलेशन ये बना, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश ओवर कॉस अल्फा। बात समझ में आई? नहीं आई? नोट पढ़ लो। अबे क्या नहीं आई इसमें? ये ट्रू डिप है, ये अपेरेंट डिप है, रिलेशन मिल गया दोनों में? यार कसम से बहुत बड़े जाहिल हो तुम। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में जब यहां पर ये ब्लैक पेन मैग्नेट है, ये 30 डिग्री बैंड होता है, समझ रहे हो बात को? तो इसके कंपोनेंट तोड़ो बेटा, तो इस तरफ क्या आएगा? BH, और इस तरफ क्या आएगा? BV। आएगा नहीं आएगा? लेकिन जब यहां ले जाऊंगा तो 30 डिग्री बैंड होगा क्या? कुछ कम या कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, समझ रहे हो बात को? तो यहां इस तरफ अगर 30 डिग्री की बैंडिंग हो रही है तो इस तरफ 30 से कम या ज्यादा होगी, नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जब इस तरफ दिखाओ पेन, उठ के आओ, तुम हेल्प करो थोड़ी सी, ऐसे पकड़ो इसको। यहां पे बेटा 30 डिग्री की बैंडिंग हो रही है तो यहां पे उतनी थोड़ी ना होगी, कुछ कम या ज्यादा होगी, लेकिन कंपोनेंट तो वैसे ही टूटेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल वैसे ही आएगा। कौन सा कंपोनेंट बदल गया? हॉरिजॉन्टल। यहां अगर बी मान लू तो यहां बी डैश कह सकता हूं। अब जरा समझने की कोशिश करो, इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप था वो ट्रू डिप था, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल निकालोगे, नहीं निकालोगे? और इसमें अपेरेंट डिप टेन थीटा डैश निकालोगे तो कैसे निकालोगे? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहां वर्टिकल का मतलब तो वही है जो पहले था, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो बदल गया, ठीक है? अब ये समझ में आया, विजुलाइज हुआ? अब इसको बोर्ड पे एक बार देखो, मैथमेटिकल, बैठो बेटा। बेटा पहले प्लेन में टेन थीटा वन कह दूं तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, दूसरे प्लेन में टेन थीटा टू कह दूं तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है?
लेकिन इन दोनों में रिलेशन अगर निकालूं तो क्या होगा, ये बी एच कॉस अल्फा होगा या नहीं होगा? तो टेन थीटा टू जो है वो बी वी अपॉन बी एच इंटू कॉस अल्फा होगा नहीं होगा? इक्वेशन वन से रिजेंबल करो, इसको कंपेयर करो, तो ये पार्ट ये जो सर्कल कर दिया मैंने, किसको शो कर रहा है? टेन थीटा वन को शो कर रहा है। तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू टेन थीटा वन अपॉन कॉस अल्फा होगा नहीं होगा? अब आया समझ में? एक पुराना डिप एक नया डिप होगा नहीं होगा? दो अलग अलग प्लेन्स में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू डिफरेंट होती है ना? अगर उसमें से एक हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है तो वो ट्रू डिप कहलाएगा, और किसी आर्बिट्रेरी प्लेन में ले जाकर के मेजरमेंट किया जाए तो वो अपेरेंट डिप कहलाएगा। तो दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो डिसाइड करेगा कि अपेरेंट डिप की वैल्यू क्या होगी या नहीं करेगा। अब क्लैरिटी आई दिमाग में? नोट कर।